हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ ये समर पार्टी मेकअप लुक। और इस मेकअप लुक को आप कर सकते हैं नाइट पार्टी में भी और डे पार्टी में भी, जैसे भी आपको सही लगता हो, वो भी कुछ ही मिनटों में और अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स के साथ। तो जो भी मैं इस वीडियो में मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ करने वाली हूँ, उन सभी का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो प्लीज़ एक बार चेक ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं। और आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी इससे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सके। और प्लीज़ गाइज, अगर आपको ये मेरा मेकअप लुक अच्छा लगे तो आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये मेकअप लुक कैसा लगा, क्योंकि आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़कर दिल खुश हो जाता है और मुझे मोटिवेशन भी मिलता है। तो प्लीज़ गाइज, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरा मेकअप लुक कैसा लगा। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा गाइज कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं, ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं। और आज मैं इस मेकअप लुक को करने से पहले आपको कुछ ऐसे स्टेप्स बताऊंगी जिससे कि आपका फेस जो है पसीने की वजह से जल्दी ख़राब नहीं होगा और आपके फेस पर पसीना भी नहीं आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताती हूँ कि मेकअप करने से पहले आपको कौन कौन से स्टेप करने हैं जिससे कि आपके फेस पर पसीना भी ना आए और आपका जो मेकअप है वो भी लॉन्ग लास्टिंग बना रहे। तो यहाँ मैं सबसे पहले लगा रही हूँ अपना मोइस्ट सॉफ्ट का फेवरेट मॉइस्चराइजर। और दोस्तों, ये जो मेकअप स्टेप है इसे आप मेकअप करने से 10 या 5 मिनट पहले कर लीजिए। तो ये देखिए, मैंने अपने फेस पर मॉइस्चराइजर अच्छे से अप्लाई कर लिया, अपने नेक एरिया पर भी मैंने मॉइस्चराइजर लगा लिया है। मेरा यहाँ पर है, ये देखिए, मैंने मिल्क ले लिया है और एक मैंने आइस क्यूब ली है, ये देखिए। और मैंने यहाँ पर ये रॉ मिल्क लिया है और इस रॉ मिल्क में आप एक आइस क्यूब ले लीजिए और मॉइस्चराइजर लगाने के बाद इस आइस क्यूब को आप अपने फेस पर लगा लीजिए कुछ इस तरह से। आप चाहें तो नैपकिन वगैरह या हैंकी में लेकर भी इसे लगा सकते हैं, बट मैं डायरेक्ट अप्लाई कर रही हूँ। इससे क्या होगा कि आपके फेस पर जल्दी पसीना नहीं आएगा। तो ये देखिए, मैंने आइस लगा ली है अच्छे से और अब आप इसे ऐसे ही 2 मिनट लगा रहने दीजिए। उसके बाद आप अपने फेस को नॉर्मल वाटर से वॉश कर लीजिए। याद रहे कि आपको कोई भी फेस वॉश वगैरह या सोप का इस्तेमाल नहीं करना है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लगा रही हूँ अपना सनस्क्रीन लोशन। देखिए, मैंने सनस्क्रीन लोशन लगा लिया है और सनस्क्रीन के बाद मैं यहाँ पर लगा रही हूँ अपना फेवरेट कंसीलर, ये हुडा ब्यूटी का प्रो कंसीलर। और यहां पर मैं अपनी फिंगर टिप की हेल्प से इसे ब्लेंड कर लूंगी अच्छे से। अब मैं इसे पाउडर की हेल्प से अच्छे से सेट कर लूंगी इस कंसीलर को। नेक्स्ट मैं यहां पर लगा रही हूँ अपना फेवरेट मेबलिन फिट मी फाउंडेशन। और ये फाउंडेशन मुझे समर्स के लिए और विंटर्स के लिए भी सबसे बेस्ट लगता है। और मैं यहां पर बहुत ज्यादा फाउंडेशन का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। और अब आप इसे एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए। और बहुत अच्छी इस फाउंडेशन की खास बात यह है कि ये बहुत जल्दी ही आपके फेस पर स्प्रेड हो जाता है, बहुत ईजिली ब्लेंड हो जाता है। और मैं कॉम्पैक्ट पाउडर की हेल्प से इसे अच्छे से सेट कर लूंगी।
देखिए मैंने अपने फाउंडेशन को अच्छे से सेट कर लिया है और अब मैं अपनी आईब्रोज को फिल करने के लिए अपने आई शेडो पैलेट से ये ब्राउन कलर का शेड ले रही हूँ और मैं यहाँ पर पाउडर फिलिंग कर रही हूँ। तो ये देखिए मैंने अपनी आईब्रोज को फिल कर लिया है। तो आपको मैं यहाँ पर एक टिप देना चाहूँगी और ये टिप है लिपस्टिक की। जी हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपका आई शेडो पसीने में जल्दी से ख़राब ना हो तो आप देख सकते हैं लिपस्टिक, वाटरप्रूफ लिपस्टिक अगर आपके पास कोई भी है किसी भी ब्रांड की है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास फिलहाल ये वाली लिपस्टिक है, ये है हाफ एंड हाफ की लिपस्टिक है और मेरा शेड नंबर है 43। तो ये लिपस्टिक मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है क्योंकि ये गर्मियों में मैं ज़्यादातर इसी लिपस्टिक का यूज़ करती हूँ और आप देख सकते हैं मेरे पास ये है मरून कलर का क्योंकि मेरी ड्रेस भी मरून है और ये इस मेरी ड्रेस के साथ भी बहुत अच्छे से मैच जाएगा। तो मैं इसे ही एज अ आई शेडो अपनी आईज़ पर लगाने वाली हूँ क्योंकि ये जल्दी से पसीने में ख़राब नहीं होती है। और आप चाहें तो लिक्विड लिपस्टिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि लिक्विड लिपस्टिक भी काफ़ी देर तक आपके लिप्स पर टिकी रहती है और आपको आई शेडो भी अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं डेफिनेटली। तो चलिए अब मैं इस लिपस्टिक को अपने फिंगर की हेल्प से पहले मैं लगाऊंगी क्योंकि ये मैट शेड है आप जानते ही हैं और बहुत ब्यूटीफुल सा शेड है ये। और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है ये शेड, मैंने सिर्फ जस्ट थोड़ा सा ही लिया था। बस और अब आप इसे एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए। और अब मैं इस मैरून कलर के आई शेडो से अपने आई शेडो को अच्छे से सेट कर लूंगी। तो ये देखिए मैंने अपने आई शेडो को अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अब मैं ये ब्राउन कलर का शेड लेकर अपनी आईज पर लगा लूंगी। और मेरी ड्रेस में आप जैसा कि देख सकते हैं गोल्डन शेड भी है तो मैं अपने आई शेडो पैलेट से ये गोल्डन कलर का शेड लेकर और ये शिमर शेड है अपनी आईज पर लगाऊंगी। अपनी मैं हाफ आईलिड पर ये शेड लगाऊंगी। तो देखिए मैंने अपना शिमर आई शेडो भी लगा लिया है, अपनी हाफ आईलिड पर लगाया है मैंने ये। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ अपना म्यूजिक फ्लावर जेल आईलाइनर। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी गाइस कि समर्स के लिए जेल आईलाइनर से बेस्ट कुछ नहीं है। ये इतना अच्छा जेल आईलाइनर है, ये है म्यूजिक फ्लावर का जेल आईलाइनर और ये इतना अच्छा जेल आईलाइनर है कि ये गर्मियों में स्वेटिंग में जल्दी से रिमूव नहीं होता है आपकी आई से, लॉन्ग लास्टिंग है काफ़ी। और आप इसका रिव्यू अगर देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पर देख सकते हैं, आई बटन पर क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और मैं एक पेंसिल ब्रश की हेल्प से यानी कि एक बारीक ब्रश लेकर अपनी आईज पर लाइनर लगाऊंगी। और नेक्स्ट मैं अब लगाऊंगी ब्लश। और अगर आप चाहें तो लिक्विड लिपस्टिक को ही एज अ ब्लश भी यूज़ कर सकते हैं और मैं यहाँ पर पाउडर ब्लश लगा रही हूँ। और अब मैं लगाने जा रही हूँ लिप लाइनर। और अब मैं लगा लूंगी लिपस्टिक। और अब मैं लगा रही हूँ हाइलाइटर और आपको पाउडर हाइलाइटर ही लगाना है।
और अब मैं लगा लूंगी काजल। और अब मैं लगाऊंगी अपने आई लैशेज पर मस्कारा। सबसे पहले मैं आई लैशेज कर्लर की हेल्प से इस अपने आई लैशेज को कर्ल कर लूंगी। और अब मैंने मस्कारा भी अप्लाई कर लिया है और हेयर स्टाइल अब अपने अकॉर्डिंगली जो भी आपको पसंद हो वो आप बना सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स कि मेरा मेकअप हो चुका है डन। और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरा मेकअप लुक कैसा लगा। ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिए। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।